हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक जिंदगी से जुड़ी, हमारी जिंदगी से जुड़ी भी उसे कह सकते हैं, वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो थोड़ी बहुत हमसे ही रिलेटेड है। एक कोई व्यक्ति थे जो शहर में रहते थे, उनके घर पर एक मेहमान के रूप में सन्यासी आए हुए थे। तो उनने कहा कि आप यहाँ शहर में रह के ये छोटे मोटे धंधे करके कितना कमा लोगे, उससे अच्छा है आप गांव, एक गांव है जहाँ पर जमीन सस्ते में मिलती है। सस्ते में क्या, ये समझो कि मुफ्त में ही मिलती है। तो आप सारा रुपए लेके सब कुछ बेच के यहाँ शहर से गांव चले जाइए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाएगा, वहां के लोग बहुत सीधे साधे हैं। उसने उनकी बातों को मान लिया और गांव चला गया, और गांव में जाके सारे रुपए रख दिए उन लोगों ने जैसा बोला। और बस तो उनने कहा कि ये रुपए हमें दे दो और कल का सूरज जैसे निकले आप चलना स्टार्ट कर देना, और जैसे ही सूरज डूबने से पहले आप लौट के इसी जगह आ जाना जहां से चलना स्टार्ट किया है। आप जितना चल लेंगे उतनी जमीन घेर लेंगे वो आपकी। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो फिर बस क्या था, वो चलता गया चलता गया, रोटी पानी सब लेके गया था, लेकिन लालच इतना बढ़ गया कि खाने का टाइम भी नहीं मिला और उसने फेंक दिया कि उसने रोटी पानी सब फेंक दिया कि अगर इसको खाने के लिए बैठा, पानी पीने के लिए बैठा तो मेरा टाइम निकल जाएगा, और इतने टाइम में तो मैं जाने कितनी जमीन घेर लूंगा। और वो दो कदम चला, उसने देखा कि थोड़ा और चल लेता हूँ, कितनी उपजाऊ जमीन है, इसको भी ले लेता हूँ और चल लेता हूँ। एक दिन की तो बात है, खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी सवर जाएगी। और ये सोचते ही वो चलता गया चलता गया और उसने बहुत सारी जमीन घेर भी ली। फिर उसका मन नहीं मान रहा था, मन मान तो नहीं रहा था, लेकिन वो फिर भी चलता जा रहा था कि वो देखो वो और उपजाऊ जमीन है, उसको भी घेर लेता हूँ, वो भी मिल जाएगी। दौड़े जा रहा है, सांस तेज तेज चल रही है, चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, बस साथ में कोई नहीं है, अकेले भागे जा रहा है पागलों के जैसे, चल नहीं रहा, दौड़ रहा है कि चलने से तो आधी जमीन भी नहीं ले पाएगा। फिर जैसे तैसे उसने कहा अब तो लौटना चाहिए, सूरज ढलने से पहले पहुंचा, नहीं तो ये जमीन जितनी घेरी है सब चली जाएगी। फिर उसने लौटना स्टार्ट किया, वहां सूरज डूब रहा था और यहाँ ये भाग रहा था, और भागे जा रहा था। वहां गांव वाले सामने खड़े चिल्ला रहे थे, जल्दी आओ जल्दी आओ। इसने सोचा कितने सच में सीधे साधे लोग हैं, इसे तो ये सोचना चाहिए कि ये मर जाए तो जमीन भी नहीं देनी पड़े और पैसे भी मिल जाए। मैं भागे जा रहा हूँ ये कह रहे हैं आ जाओ, इनको तो ये बोलना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि काशी वही मर जाए, हमें जमीन भी ना देनी पड़े, और ये तो मुझे इतने प्यार से बुला रहे हैं। सच ही कहा था उस सन्यासी बाबा ने, वहां के लोग बहुत सीधे हैं। तो बस वो व्यक्ति दौड़े जा रहा, जैसे तैसे वो गिर गया, सूरज भी डूब गया, उसने हाथ लगाया, सूरज डूबा है, वो व्यक्ति वही मर गया। उसके हाथ में क्या आया, घंटा, कुछ नहीं आया। लालच का फल उसे मिला, और वहां सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ जो भी आता है उसके साथ यही होता है, ये पागल भी चला आया, जितने भी आए पागल ही आए, किसी ने भी कोई भी उस जमीन का मालिक ही नहीं बन पाया, वहां यही चलता रहता है। ये रियलिटी की एक कहानी है। तो बस ये हमसे ऐसे रिलेटेड है कि हम भी तो यही कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं ये बैंक भर ले, तिजोरी भर ले, ये कर ले वो कर ले, पैसा कमा ले। जिंदगी में जितना है उतने में खुश रहो ना। कल किसने देखा है, उसने देखा था क्या, भागता गया जमीन घेरने के चक्कर में आज ही मर गया। अरे वही रहता जो करता, जाने कितनी लंबी उम्र होती। थैंक यू, बाय बाय। स्टोरी पसंद आए तो लाइक।